नमस्कार, एनएच में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सीधी बात। सीधी बात में हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आएंगे एक नया शख्स, जो शख्स या तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, बिजनेस बैकग्राउंड या तो कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिससे हम कुछ सवाल पूछेंगे और हम ये उम्मीद करेंगे कि सीधा जो जवाब है वो हमें दे, ताकि हम आप तक ये सारा जो सीधी बात है ये पहुंचा सके और उनका मन का बात जो है हम आप लोगों को बता सके। तो यही कोशिश हमारा रहेगा सीधी बात में। आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स का। आप लोगों को शायद पता हो कि अभी हाल ही में कर्नाटक में इलेक्शन हो गया है और इस इलेक्शन के बाद बताया जा रहा है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका मॉरल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हो गया। यानी कि जो कांग्रेस, अब बताया जा रहा था कि लगातार कुछ इलेक्शन में उन्होंने शिकस्त का जो सामना किया था, लेकिन कर्नाटक का इलेक्शन के बाद अभी कांग्रेस में एक नया जान आ गया है, ऐसे लोग बता रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम आज बात करेंगे। हमारे साथ है समरजीत हफलोंगबार, जो डिमा हसाओ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। नमस्कार। तो आपका स्वागत है बहुत बहुत समरजीत जी। तो चलिए ये बताइए कि अभी कर्नाटका इलेक्शन के बाद अभी आप लोगों का क्या कुछ मॉरल बूस्टअप हुआ है, मतलब कैसा लग रहा है, मतलब क्या फीलिंग्स है कांग्रेस के लिए, क्योंकि काफी समय ऐसा देखा गया है कि आप लोग अभी कुछ इलेक्शंस जो है आप लोगों को डिफीट का सामना करना पड़ा है, यानी कि शिकस्त हुआ है, लेकिन अभी हिमाचल और खास करके कर्नाटका के बाद अभी ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा एक उत्साह का माहौल है कांग्रेस में, क्या कहेंगे? नहीं, उत्साह तो सिर्फ कांग्रेस का नहीं, देश का जितना भी विरोधी दल है और जो संविधान को विश्वास रखता है, जो गणतंत्र के ऊपर विश्वास रखता है और जो सेक्युलरिज्म पर विश्वास रखता है, सभी को मॉरल बूस्टिंग हुआ है। और जो मैसेज कर्नाटक से, कर्नाटक कांग्रेस का जो जीत हुआ वह में संविधान का जीत हुआ, जनता का जीत हुआ है और सेक्युलरिज्म को जीत हुआ, गणतंत्र को जीत हुआ। और खास बात यह है कि सारा साउथ इंडिया में बीजेपी मुक्त, जुमलाबाजी मुक्त हो गया, ये सबसे बड़ा बात है। और उसके छोड़ के जितना भी ओपोजिशन से है, पार्टी है, सभी का मनोबल भरा है, सबको उत्साह हुआ है और मॉरल बूस्टिंग हुआ है। खास करके असम में, असम में जिस डंके के चोट पे मुख्यमंत्री अपने आप को सेकेंड लीडर बीजेपी का, सारा नेशन का अपने आप को सोचता है, वो कर्नाटक में जाके वहाँ में स्टेशन किया, कैंपेन किया और उसका जो दाबी था तो सारा मैंने रूलिंग होगा वहाँ पे। लेकिन रिजल्ट जो भाई उसमें पता चला कि जितना भी हम लोग का जो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा जी ने कैंपेन किया, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भी सीट बीजेपी जीत के नहीं आया है। ये असम के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। इससे असम का लोग समझना चाहिए कि जो डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा का जो जुमलाबाजी जो है असम में, जो आपको बेनिफिशियरी क्रिएट करके पब्लिक को, जो टैक्स को लेकर जो बेनिफिशियरी क्रिएट करता है असम में, वो सारा देश में चलने वाला नहीं है। और जो कम्युनल जो उसका जो भाषण है वो भारत में दूसरा जगह में असम को छोड़ के चलने वाला नहीं है, ये असम का लोग अभी समझना चाहिए, ये बात है। चलिए ये तो ठीक है, आप नेशनल एक वो बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि डीमा हसाओ में, खास करके डीमा हसाओ में किस तरीके से इससे मतलब कुछ आप लोगों को कुछ मॉरल बूस्टअप होगा या किस तरीके से आप लोग ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे? क्योंकि दिखा गया है कि आप डीमा हसाओ में जो कांग्रेस का जो एक ग्राउंड में जिस तरीके से लोग काम करते थे वो काफी दिनों से थोड़ा कम नजर आ रहा है, तो क्या जीतने के बाद क्या डीमा हसाओ में इसका कोई असर पड़ेगा? ना, कर्नाटक का इलेक्शन का बाद में बहुत असर पड़ा है, क्योंकि कल हम लोग का 15 को जो एग्जीक्यूटिव एक्सटेंडेड मीटिंग था उसमें असेंबली इलेक्शन के बाद पहली बार हमने पब्लिक का गैदरिंग और सारा डीमा हसाओ का जितना भी हम लोग का मंडल कमिटीज का मेंबर्स था, ब्लॉक का मेंबर पार्टिसिपेशन जो देखा कल, उससे लगता है कि पूरा डीमा हसाओ में गाँव गाँव में भी ये मैसेज चला गया कि अभी फिर से कांग्रेस वापस आने वाला है और डीमा हसाओ में भी आने वाला है, ये मैसेज हम लोग कल जो आप लोगों का मीटिंग हुआ था, तो क्या उसमें कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया था क्या कल? कल बोराइल का 5 मेंबर्स हम लोग को ज्वाइन किया और एक उमरांगसू से ज्वाइन किया है। और बहुत ऐसा मैसेज अभी आ रहा है कि रिसेंटली हम लोग विदिन ए मंथ हम लोग बीजेपी से और दूसरा पार्टी से भी, दूसरा दल से भी बहुत लोग ज्वाइन करने वाला है कांग्रेस में, और कांग्रेस में ज्वाइन करके यहाँ में डेमोक्रेसी को और संविधान को जो मजबूत करने के लिए सभी आने के लिए तैयार है। और एक महीना में रिजल्ट मिल जाएगा आप लोगों को,
बहुत लोग जनगणना होना है और आने वाला जितना भी चुनौती आएगा, इलेक्शन आएगा, उसमें हम लोग करारा जवाब देगा बीजेपी को। अच्छा चलिए एक बात बताइए कि अभी जिस तरीके से देखा गया है कि स्टेट का और महासभा का जो पॉलिटिक्स है वो एक तरीके से ऐसा है कि स्टेट में जो पार्टी रूलिंग होता है काउंसिल में भी अल्टीमेटली उसी पार्टी का दबदबा रहता है, यानी कि उसी का रूलिंग हो जाता है। तो अभी स्टेट में बीजेपी है तो अभी महासभा में भी जो एजल्स ऑटोनमस काउंसिल है उसका भी इलेक्शन अभी आने वाला है। वैसे तो जनवरी में इलेक्शन है लेकिन अब पता चल रहा है कि शायद नवंबर या दिसंबर में इलेक्शन हो जाए इस साल। तो इसमें आप लोगों का क्या स्ट्रेटेजी होगा, आप इलेक्शन खेल जो आप लोग किस तरीके से कैंडिडेट देंगे, क्योंकि काफ़ी जगह ऐसा पता चला हमें सोर्सेस से कि काफ़ी ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे आप कांग्रेस के लिए कैंडिडेट ढूंढना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं अभी हम लोग का कैंडिडेट जितना भी 28 कॉन्स्टिट्यूंस का कैंडिडेट ऑलमोस्ट हम लोग का हो गया अभी अंदर में, और अब और भी आने वाला है, हम लोग सबसे बहुत अभी सिलेक्शन करने वाला है कैंडिडेट्स तो। लेकिन एज मेंटेलिटी करीब 10-15 सालों से दिमासाओं के जो वोटर्स का मेंटेलिटी जो है वो स्टेट में जो रूलिंग होगा, दिल्ली में जो रूलिंग होगा उसी को ही फॉलो करता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी कर्नाटक में जो इलेक्शन रिजल्ट आया लेकिन सेंट्रल में तो बीजेपी है, तो वहाँ बीजेपी जीतना चाहिए था। तो पब्लिक का मेंटेलिटी वही बात है, स्टेट में अगर बीजेपी है तो यहाँ में बीजेपी होना ही पड़ेगा, ये बात नहीं है। और जो जो अभी बीजेपी में है उन लोग तो पहले कांग्रेस में था, सब तो बीजेपी में गया हुआ है, जीता तो लेकिन कांग्रेस में था पहला। तो इसीलिए इस बार हम लोग रूलिंग करने के लिए टारगेट करेगा और सबको भी दिमाग में हुई है कि आने वाला 2024 में दिल्ली में बीजेपी आने वाला नहीं है, वहाँ जरूर नॉन बीजेपी सरकार बनेगा। और जब नॉन बीजेपी सरकार बनेगा यहाँ का जो स्टेट का जो बीजेपी लोग जो है उनका कोई क्या भरोसा नहीं है, अभी खुद मुख्यमंत्री को भी भरोसा नहीं कि कहाँ रहे। तो इसलिए इस बार का जो चुनाव होगा काउंसिल का वो दिल्ली को बेस करके ही चुनाव में पापाली का मेंटेलिटी उसी हिसाब से वोट देगा। और उसको छोड़ के भी यहाँ में जो काउंसिल का जो रूलिंग में जितना पब्लिक को तकलीफ मिला, चाहे वो लैंड का बारे में हो, चाहे टैक्स का बारे में हो, चाहे ट्रेडिंग लाइसेंस के बारे में हो, चाहे हेरासमेंट का बारे में हो, तो बहुत ऐसा तकलीफ मिला है अभी। इसलिए इसका जानकारी पूरा पब्लिक को है, जितना भी डिपार्टमेंट का जमीन जो है क्वार्टर जो है सारा काउंसिल का लोग ही ले लिया, और उनका जो यहाँ का जो संपत्ति जो है संपत्ति भी सब काउंसिल के लोग ही ले रहा है। तो इससे काफ़ी नाराज है पब्लिक, इसलिए इस बार इसको खिलाफ में वोट जाएगा काउंसिल इलेक्शन। चलिए आपका बात अगर मान भी लिया जाए कि इसका खिलाफ आप जो बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो अभी का रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लोग अब समझ गए हैं और कांग्रेस को वोट करेंगे, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि कांग्रेस ने यहाँ पे अपना एक सरकार बनाने का वो जो बहुमत है वो साबित कर भी दिया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि उसके बाद ऑपरेशन लोटस चलेगा? नहीं, ऑपरेशन लोटस हम लोग को चलने से भी जो जो कांग्रेस जीत के आएगा वो हार्डकोर कांग्रेस होगा, क्योंकि इस तकलीफ में, इस सिचुएशन में, क्राइसिस में जो जो कांग्रेस में अभी है वो लोटस ऑपरेशन लोटस से प्रभावित होने वाला नहीं है। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है जो भी कांग्रेस हम लोग कैंडिडेट होगा जो जीत के आएगा वो डाईहार्ड और डेडिकेटेड पार्टी का लोग होगा वो। तो चलिए अभी जो देखा गया एक चीज जो अब लोगों का जहन में भी है, लोग अब ये सोच रहे कि अब पहले देखा गया था कि महासभा में सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस है, एक समय हमने देखा था, अब देखा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस कुछ दिन पहले तक था, अब एक और पार्टी उभर के आ रहा है टीएमसी, और टीएमसी ज्यादातर देखा गया कि कांग्रेस का ही टूट के, कांग्रेस को मतलब तोड़ के कुछ लोग टीएमसी में गए, तो क्या टीएमसी कांग्रेस के लिए कुछ फैक्टर होगा? नहीं, टीएमसी तो ऐसे महागठबंधन जो होगा, यूपीए जो होगा महागठबंधन, उसमें टीएमसी जरूर शामिल होगा, और टीएमसी शामिल होने से यहाँ उसी तरह से हम लोग काम करेंगे एक साथ अंडरस्टैंडिंग में, उससे कोई हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। और जो जो टीएमसी कांग्रेस से जो टीएमसी गया हुआ है उन लोग कुछ तो वापस आएगा, और जहाँ जहाँ हमें एडजस्टमेंट का जरूरत है हम लोग वो बातचीत करके कर लेगा वो, उससे हम लोग का इतना प्रॉब्लम होने वाला नहीं लग रहा है कि टीएमसी से कोई खतरा आपको नहीं। हम लोग को खतरा भी नहीं, मान के चले कि अगर महागठबंधन नहीं होता है तब आपको खतरा होगा टीएमसी से? ना, ऐसा तो कुछ खतरा नहीं काउंसिल, खासकर काउंसिल इलेक्शन में एक दो कॉन्स्टिट्यूंसी उन लोगों को कैंडिडेट होगा शायद, उसमें हम लोग लोकल अंडरस्टैंडिंग हम लोग कर लेगा वो, लेकिन लेकिन बीजेपी को हराना है। चलिए ठीक है, बीजेपी को हराना, ये बात हम आपका समझ रहे हैं, लेकिन एक चीज जो आप देखा गया है कि अभी हाल ही में पता चला है कि आप लोग गुवाहाटी गए थे और वहाँ पे स्टेट लेवल का कुछ एक मीटिंग हुआ था, उसमें इस तरीके का एक डिस्कशन आया है कि अभी जो एमपी इलेक्शन होने वाला है 24 को, उसमें कांग्रेस के तरफ से हमारा तो एक ही सीट है डिमासा और कार्बियांग डिफू जो सीट है, उसमें कांग्रेस के तरफ से डिमासा का कैंडिडेट दिया जाएगा, ये कितना तक सच है?
मैं वैसे हम लोग को जो गुवाहाटी में जो मीटिंग में बातचीत हुआ वो दिल्ली का नेशनल लेवल का लीडर और स्टेट के लेवल के लीडर का सजेशंस हुई था कि हर बार कार्यालयों से कैंडिडेट होता है, इस बार अगर ऐसा कैंडिडेट अगर डिमास हाउस से है तो डिमास हाउस से कैंडिडेट होने से उसको हम लोग एक्सेप्ट करेगा, इसलिए आप लोग डिमास हाउस से प्रपोजल भेजिए, ये बात था। और डीफो में भी हम लोग बातचीत हुआ था उसको लेकर। और कार्यालयों का दो डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है, कार्बेलोंग ईस्ट और कार्बेलोंग वेस्ट का डिस्ट्रिक्ट कमेटी का सारा मेंबर एग्री है कि अगर डिमास हाउस से भी कैंडिडेट प्लेस करता है तो उनका कोई ऑब्जेक्शन फुल्ली उन लोग सपोर्ट करेगा। और उसके बाद अगर बिफोर एमपी इलेक्शन अगर काउंसिल इलेक्शन हो जाता है और काउंसिल इलेक्शन में अगर सक्सेसफुली हम लोग रूलिंग करता है, डेफिनेटली हम लोग डिमास हाउस से कैंडिडेट क्लेम करेगा। उसके लिए कल हम लोग का जो कल का डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव जो हुआ उसमें इन प्रेजेंस ऑफ ये आपको और अपूर्व भट्टाचार्य जनरल सेक्रेटरी को हम लोग एक लेटर सौंपा है, लेटर दिया है उसको प्रपोजल लेटर, उसमें मेरा नाम एक प्रपोजल दिया और निर्मल प्रसाद उमर उसमें आ रहे हम लोग, लेकिन ये प्रपोजल में आ रहे। लेकिन एक चीज बताइए कि जिस तरीके से जो डेमोग्राफी है यहाँ का कार्बी अंगलोंग और डिमास हाउस का, उसमें अगर हम लोग पॉपुलेशन वाइज भी देखें तो कार्बी का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और डिमासा का काफ़ी हद तक कम है, तो क्या आपको लगता है कि जो कार्बी जो लोग हैं क्या वो लोग इस बात को मंजूर करेंगे कि डिमासा ही कैंडिडेट एमपी में दिया जाए? मतलब इस बात के लेके हम लोग सिर्फ कांग्रेस का बात नहीं, जो छोटा छोटा जो पार्टियाँ हैं कार्बी अंगलोंग में उससे भी हम लोग बातचीत चल रहा है कि उन लोग का एक ही मकसद है, जो बीजेपी से सिक्स डील को खतरा हो गया, अभी संविधान को खतरा हो गया, हम लोग को ट्राइबल को लेकर खतरा हो गया, इसलिए बीजेपी के खिलाफ में जो यूनाइटेड कैंडिडेट होगा उस कैंडिडेट को सारा कार्बी भी सपोर्ट करेगा और नॉन कार्बी भी सपोर्ट करेगा, सर डिमासाओं का और कार्बी अंगलोंग का, वही हम लोग को बातचीत चल रहा है अभी। लेकिन हम लोग एक ही कैंडिडेट को हम लोग सभी ने वोट देगा बीजेपी को हराने के लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से अगर कार्बी कैंडिडेट दिया जाए तो आप लोग एक ही कैंडिडेट देंगे, वो डिमासा ही होगा? डिमासा हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, लेकिन कोई भी हो सकता है, उसको सब यूनिटेडली हम लोग बीजेपी को हराने के लिए एक साथ होगा। लेकिन इस बार प्रिफरेंस जो है आप लोग डिमासा को दे रहे हैं? यहाँ तो अगर डिमासा से देने से डिमासा को कल तो भेज दिया हम लोग प्रपोजल, तो ठीक है। तो आप पता चल रहा है कि प्रपोजल भी आप लोगों ने भेजा है और प्रपोजल मैंने देखा है उसमें नाम आ रहा है आपका और निर्मल लंका सर जो एपीसीसी का अभी मेंबर भी है उनका, तो अब दोनों में से एक का नाम आप लोगों ने ऑलरेडी प्रपोजल भेज दिया है। तो अभी मान के चले कि अगर आप लोगों में से किसी एक का टिकट हो भी जाता है ठीक है, तो उसमें स्ट्रेटेजी क्या रहेगा आप लोगों का, किस तरीके से आप लोग जो कार्बी है डिमासा को तो चलिए ठीक है आप लोग कन्विंस कर लेंगे, कार्बी है या और दूसरा नॉन कार्बी है जो अलग डिमासा को छोड़ के, उनको आप लोग किस तरीके से कन्विंस करेंगे? कार्बी तो हम लोग पार्टी का जो है, पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, उस कांग्रेस पार्टी निकलने से कार्बी भी आता, नॉन कार्बी सब आ जाता है हमें पार्टी हिसाब से। और बाकी जो एसडी के साथ में बातचीत चल रहा है हम लोग का, और दूसरा जो संगठन है छोटा छोटा संगठन है उन लोग से भी बातचीत चल रहा है कि जो भी कैंडिडेट हो हम लोग चाहे कमिंग असेंबली इलेक्शन में हम लोग एडजस्ट कर लेगा कोई जगह में दूसरा पार्टी को भी, लेकिन एमपी इलेक्शन में हम लोग ऑल इन्वाइटेड होगा जो भी कैंडिडेट हो, चाहे अगर कार्बी कार्बियालों से अगर नहीं हो फिर भी दिमासाओं से हो फिर भी हम लोग एक साथ बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होगा। मतलब तब बात आ जाता है कि महागठबंधन जो होगा उसका जो कैंडिडेट होगा उसको सब मिलके करेगा, तो उसके लिए आप लोगों के पास अभी क्या प्लानिंग है, मतलब किस तरीके से आप लोग जा रहे हैं लोगों के पास, क्या आप लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग में जा रहे हैं या किस तरीके से आप लोग अभी, क्योंकि देखिए इलेक्शन का एक तरीके से कुछ तो हम लोग डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अभी डोर टू डोर हम लोग कैंपेनिंग चल रहा है, बोट्स टू बोट्स वन टू वन हम लोग का कैंपेनिंग अंदर में चल रहा है अभी, क्योंकि बीजेपी तो ऐसा है कि उन लोगों के पास पैसा है, धनबल है, बाहुबल है, तो किसी को आइडेंटिफाई करने से उन लोग साथ साथ में खरीद लेता है बुला बुला के, तो इसलिए हम लोग का जो काम है अंदर में हम लोग चल रहे हैं कर रहा है। और बाकी जो यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं डिमासों में, लेकिन कार्बेलों में जितना भी संगठन है उससे बातचीत करने के लिए रिस्पॉन्सिबल दिया गया है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हम लोग आशा करता है कि बिफोर एमपी इलेक्शन सब यूनाइटेड हो जाएगा जितना भी नॉन बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन है पॉलिटिकल पार्टीज है। लेकिन और कार्बेलों में एक ऑर्गेनाइजेशन एपीएलसी नाम का एपीएचएलसी नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है कार्बी अंगलोंग में, ये लोग फिर कट्टर है सिर्फ कार्बी के लिए बात करते हैं, क्या वो लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे क्या ऐसा कुछ? सपोर्ट बोल के नहीं, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए हम लोग एक साथ होने पड़ेगा, वो तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं उन लोग से, लेकिन जो उन लोग कार्बी बोल के नहीं ट्राइबल के लिए सिक्स जून के लिए लड़ रहे हैं उन लोग, फिर भी हम लोग उससे भी बातचीत कर रहे हैं ताकि एमपी इलेक्शन में एटलीस्ट वोट विभाजन ना हो, वही बात है।
वोट डिवाइड ना हो, डिवाइड ना हो, इसलिए हम बातचीत कर रहे हैं। और बाकी उनका जो समस्या है अल्टीमेटली पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी तो पॉलिटिकली सॉल्व होगा। जब सरकार हम लोग को बनेगा दिल्ली में तो जो बातचीत के जरिए से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो, ये हम लोग का यह है। और जो जो भी संवैधानिक यहाँ में रूप दिया जाएगा, संवैधानिक सोल्यूशन होगा, वो सिर्फ कार्बी का बेनिफिट नहीं होगा ना, उसमें सबको भी बेनिफिट होगा। यहाँ जितना भी डिमासा और कार्बेलों में जो जो लोग हैं, जो नागरिक है, सबको बेनिफिट होगा। तो इसी हिसाब से हम लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो अभी एक चीज जो देखा गया है कि खास करके डिमा हसाओ से कभी भी कोई लोकसभा में कोई एमपी अभी तक नहीं पहुंचा है। तो अभी अगर इस वक्त मान के चले कि कांग्रेस की तरफ से अगर यहाँ पे कैंडिडेट दे दिया जाता है और अगर वो कैंडिडेट जीत जाता है, आप मान के चले कि कांग्रेस का ही कोई कैंडिडेट जीत गया है यहाँ पे, तो उसके बाद जो कार्बी आंगलोंग है उसमें क्या आपको लगता है कि वो लोग इस बात को इतना आसानी से मान लेंगे, क्योंकि वहां पे काफी लोग ज्यादा है कार्बी का? नहीं, उन लोग का जो मतामत है अभी, या तो फिर आप लोग काम कैसे करेंगे? हम लोग पार्टी के लेवल में जो बात बोल रहा है कि दिमासाओ और कार्बी आंगलोंग सेम कैटेगरी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग के बीच में कोई भेदाभेद नहीं है। इतना साल से कार्बी आंगलोंग से एमपी हो रहा है, तो इस बार अगर डिमासाओ से भी होता है तो हम लोग के लिए और अच्छा होगा। ये आपको बात मैं समझ रहा हूँ, उन लोग का बात है। एक चीज जो मतलब बात ऐसा है ना कि जब इलेक्शन का बात आता है तो उसमें आपने देखा होगा कि ट्राइब्स का बात निकलता है, जात धर्म का बात निकलता है, आपने तो देखा है सब जगह पे। जैसे इलेक्शन आता है तो कभी टोपी, कभी हिजाब और अलग अलग मुद्दा कभी होता है, बजरंग बली इस तरीके का तो होता ही है। तो यहाँ पे भी ट्राइब वाइज तो थोड़ा सा अगर डिविजन हो जाएगा तो उसको रोकने के लिए सिर्फ पार्टी को, पार्टी लाइन से थोड़ा आगे जाके भी क्या कुछ प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं, मतलब लोगों को समझाने का? नहीं, पार्टी लाइन से दूसरा जो संगठन, जितना भी संगठन है ना, उनसे बातचीत हो रहा है हम लोग का। अच्छा, ऑल एक्सेप्टेबल होने से हम लोग कैंडिडेट देगा, क्यों नहीं देगा? अगर एक्सेप्टेबल फॉर ऑल, बोथ कार्बी आंगलोंग एंड डिमासाओ का, पब्लिक के लिए, नॉट एज अ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा तो वही कैंडिडेट को सपोर्ट करेगा सब। तो चलिए ठीक है, ये सेकेंडरी में हम लोग रखते हैं, लेकिन मेन जो आपने पहले एक बात बोला कि अगर जो डिमासाओ में जो काउंसिल है वो काउंसिल में अगर आप लोगों का रूलिंग हो जाता है, क्योंकि उसका इलेक्शन एमपी से पहले ही होगा, इलेक्शन में अगर आप लोग जीतते हैं तब आप लोगों का जो डिमांड है उसको ज्यादा बूस्टअप मिलेगा, तब आप लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं, हम लोग को चाहिए एमपी कैंडिडेट, और इसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कितना आप उम्मीद करते हैं इस बार, कितना परसेंट? ऐसे हम जितना भी कार्यालयों में घुमा है, चाहे बुकाचान हो, खेरौनी साइड में हो, बकुलिया हो, मलांगहीन हो, हम तो बहुत जगह घुमा है, सबको साथ जान पहचान है। नहीं, एमएससी इलेक्शन में जीतने का कितना परसेंट आपका? एमएससी इलेक्शन में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं अभी, जिस तरह से बीजेपी के अंदर में जो अंदर जो लड़ाई चल रहा है उन लोगों का, वो लड़ाई के हिसाब से तो एक ही सीट जीतना मुश्किल है उन लोगों को, अगर ये सही तरह जाता है तो। क्योंकि एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ में 2-3 कैंडिडेट निकल गए, बीजेपी में 2-3 कैंडिडेट निकल के आया है अभी, तो सब भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अगर इस तरह का जाता है तो उसी के हिसाब से तो हम यहाँ बीजेपी में आना मुश्किल है बीजेपी लोग। ये थोड़ा सा बात आपका ये हो रहा है कि एक भी कैंडिडेट नहीं जीतेगा, ये तो खैर थोड़ा नामुमकिन है, क्योंकि आप देखिए रूलिंग है और जो 28 सीट है उसमें आप नहीं भी बोले तो कम से कम 27 में तो सारा बीजेपी है। ऐसे तो 17 कॉन्स्टिट्यूंसी डिमासा का इलेक्टेड मेंबर्स है, बाकी तो नॉन डिमासा है, जिसमें से मैक्सिमम क्रिस्टन का है, मैक्सिमम क्रिस्टन कॉन्स्टिट्यूंसी है। जिस तरह से मणिपुर में घटना हुआ, मणिपुर का जो हालत जिस तरह से हुआ है आरएसएस के जरिए से बा दूसरा संगठन के जरिए से जो हुआ, वह तो सारा सबको जानकारी हो गया। और जिस तरह से वहाँ में 60-70 चार्ज को जलाया गया है, तो उसका रिप्रकेशन तो थोड़ा हम लोग को आसाम में भी आया है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो नॉन डिमांस कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर उन लोगों के पास दिमाग है तो कोई भी बीजेपी को वोट देने वाला नहीं है, क्योंकि सबको शांति चाहिए। देखिए, उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और बाकी डिमासा एरिया में हर जगह में 2-3 कैंडिडेट हम लोग का, और डिमासा का एरिया में अभी जिस तरह से देख रहा है कि वहाँ का जो गांव का लोग है, गांव का लोग को बेनिफिट नहीं मिला कुछ भी, जो ग्रास रूट लेवल में अब कुछ 1-2 कॉन्ट्रेक्टर है ऊपर में, उन लोग का काम करता है, बिजनेस करता है, पेमेंट मिलता है, लेकिन गाँव के लिए कुछ बेनिफिट नहीं है। इसलिए गाँव में पूरा नाराज है अभी, गाँव का हालत बहुत पूरा खराब है। उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं अंदर में से, इसलिए मैं लगता है कि डिमासा कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत सा कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक्सेप्ट मैंने दिहांगी को छोड़ के, दिहांगी में तो अभी 10 साल से तो वहाँ पब्लिक का वोट देने नहीं मिलता, और वहाँ तो पब्लिक वोट देते ही नहीं, वो तो 1-2 आदमी से वोट देकर ख़त्म करता हूँ। तो इसलिए दिहांगी को छोड़ के जहाँ जहाँ मैं अपना जो नागरिक का जो अधिकार, वोट का जो अधिकार देने का जिसका भी मौका मिलेगा उस एरिया में, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी जितना मुश्किल है अभी। चलिए एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है कि मणिपुर का जो घटना है
उसका कुछ असर डिमाहासो में पड़ेगा इलेक्शन में? सिर्फ डिमाहासो ने सारा भारत में पड़ा है, इसलिए तो कर्नाटक में पड़ा है उसका असर भी, क्योंकि जो माइनॉरिटीज लोग हैं उन लोगों को भाई अंदर में डर घुस गया ना माइनॉरिटीज लोगों को, तो ये सेकुलर कंट्री है ना क्या है, सेकुलरिज्म का तो कोई नामो निशान नहीं उनका। उनका जो बीजेपी का जो भाषण हम लोग देख रहे हैं, बीजेपी के नेता लोग का, चाहे वो होम मिनिस्टर हो चाहे प्रधानमंत्री हो, तो उसे सबका डर है जितना भी माइनॉरिटीज है। तो इसलिए सिर्फ दिमाशों में नहीं पूरा भारत में प्रभाव पड़ा इसका, और वही प्रभाव दिमाशों में पड़ा है। मुझे लगता है कि जो भी माइनॉरिटीज के लोग हैं हमें दिमाशों में, अगर अपना को भारत का नागरिक समझता है और शांति से जीना चाहता है तो कोई बीजेपी को वोट देने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, आपका बात समझ रहे हैं हम। तो अभी मान के चलिए कि जो काउंसिल का इलेक्शन है यहाँ पे, उसमें आप लोगों का मेन मुद्दा क्या होगा, क्या लेके जाएंगे आप लोगों के? मेन मुद्दा तो ये डिक्टेटोरियल रूल ऑफ देवलाल गोलोसा, नंबर वन। नंबर टू हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल डाइल्यूशन, जो संविधान को खत्म कर दिया 1952 में, जिस लोगों ने हम लोग को बुजुर्गों ने जो संविधान बनाया था, हम लोग को सुरक्षा कवच दिया था, आहिस्ता आहिस्ता करके देवलाल खत्म करके जा रहा है। चाहे पंचायत रूल आ गया, यहाँ में लैंड का जो ऑनलाइन हो गया, अभी सारा लैंड का पावर स्टेट में चला गया। अभी रिसेंटली एम्प्लॉयमेंट हुआ, 48 नंबर ऑफ टीचर अपॉइंटमेंट दिया, उसमें से सिर्फ दिमाशा को सिर्फ एक ही कैंडिडेट मिला है। तो सारा संविधान तो खत्म कर दिया ये। अब दूसरा बात हो गया, जितना भी जमीन है, पत्थर है, बालू है, सब तो ये अकेला खा के खत्म कर दिए। तो ये जो करप्शन है हम लोग पब्लिक के पास लेके जाएंगे, और साथ साथ में संविधान को बचाने के लिए, मेनली संविधान को बचाने के लिए, सिक्स शेड्यूल को बचाने के लिए हम लोग पब्लिक को साथ ये मैसेज लेके जाएंगे। अगर सिक्स शेड्यूल बचाना है, संविधान बचाना है, तो हम लोग इस देवलाल लेड सरकार को हम लोग हराना है। लेकिन आप जो बता रहे कि देवलाल गोलोसा के बारे में ये सारा जो आपने बताया, लेकिन काफी लोगों का ऐसा भी कहना है कि देवलाल गोलोसा काफी अच्छा काम कर रहे हैं, काफी ज्यादा नौकरी यहाँ पे दिया है डिमासा लोगों को। नहीं, डिमासा को नौकरी तो बहुत पहले भी दिया था, बहुत लोकल आदमी मिला है। SDC के टाइम में बाहर का कोई नहीं मिला, सब लोकल मिला, चाहे ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो, ठीक है। लेकिन अभी तो सब बाहर के मिलता है, ऐसा सुनता है कि RSS के रिकमेंडेशन से अराउंड 50 कैंडिडेट यहाँ नौकरी मिला है। तो ऐसा होने से तो हम लोग को यहाँ में ऐसे पुतला CM बैठ के क्या करेगा। अभी जो लोगों से जो हमारा बात होता है ग्राउंड में भी, तो काफी लोगों ऐसा कहना है कि काफी लोगों को नौकरी दिया है, डिमासा हो चाहे अलग अलग ट्राइब्स हो, काफी लोगों को दिया है। तो देवलाल गोलोसा तो काफी अच्छा काम कर रहा है, डेवलपमेंट का काम कर रहा है। आपने देखा होगा पिछले साल जो डिजास्टर हुआ था काफी ज्यादा, अब तो काफी ज्यादा फिर से रिपेयर भी हो गया है, तो काम तो हो ही रहा है। नहीं, रिपेयर तो बहुत ज्यादा, 90% रिपेयर नहीं हुआ अभी भी। कौन सा रूट में जा सकते हैं आदमी लोग अभी जाने, सिर्फ आप लोगों का कुछ रूट है, बाकी तो जाने का मुश्किल है, बहुत ऐसा रूट है अभी। मेन जो रूट है, बात हो गया जो डेवलपमेंट का बात जो बोल रहा है, डेवलपमेंट अराउंड 20 ईयर्स पहले से जो डेवलप होता जो स्पीड से, लेकिन यहाँ में कुछ अशांति के वजह से तो डेवलप नहीं हुआ। तो अशांति किसने किया, उन लोगों ने किया है। एक ट्रक बालू आने से, एक ट्रक पत्थर आने से तो वहाँ नोटिस पहुंच जाता फिर उन लोगों को, तो काम कैसे करेगा उस टाइम में। तो अभी थोड़ा काम हुआ, शांति आया, काम हुआ है, पैसा का यूटिलाइजेशन थोड़ा हुआ अभी, लेकिन जो होना चाहिए जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक अपलिपमेंट के लिए, जिसको सेल्फ डिपेंडेंट होगा, सेल्फ रिलायंस होगा, एग्रीकल्चर तो खत्म हो गया। इरीगेशन नाला कहाँ पे है बोलिए, इरीगेशन नाला तो खत्म हो गया। पानी का स्रोत जो है खत्म हो गया। हाफलोंग में तो आप देखते हैं, हाफलोंग में तो यहाँ के लोग भागना पड़ेगा बाहर में, ऐसा हालत में है। हरंगसो में एग्रीकल्चर खत्म, नदी खत्म हो गया, तो कैसा डेवलपमेंट है ये? हम तो डेवलपमेंट तो नहीं दिख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि उसी तरह टैक्स भी ले रहा है ना। पहला पेट्रोलियम प्रोडक्ट से पेट्रोल डीजल, सिर्फ ओनली पेट्रोल डीजल से भारत में 65,000 करोड़ कलेक्शन होता था, इस बार 4 लाख कलेक्शन हुआ, 4 लाख करोड़। तो इस तरह टैक्स भी ले रहा है ना हमें जोर जबरदस्ती, तो उसी तरह पैसा भी थोड़ा आया टैक्स का, तो उसका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने से भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह यूटिलाइज करेगा ये तो सोचना पड़ेगा ना हमको। आज डिग्री कॉलेज बनाया हाथीकाले में, स्टूडेंट कहाँ से आएगा वहाँ में? आज स्किल डेवलपमेंट बनाया डुमरा में, तो RSS का एनओवर कर दिया। तो ऐसी तरह का बहुत ऐसा एग्जाम्पल्स है। तो आज फिर भी हम मान के चल सकते हैं कि कुछ डेवलपमेंट तो हुआ है, आप बिल्कुल भी इसको तो नकार नहीं सकते कि कुछ काम हुआ ही नहीं। इसलिए बोला जो डेवलपमेंट हुआ तो अभी पहले अशांति था, अभी थोड़ा शांति है, डेवलपमेंट होना चाहिए। और जिस तरह से टैक्स लेता है, टैक्स का पैसा इतना बड़ा है अभी टैक्स का, तो गवर्नमेंट का खजाना भी तो बड़ा है। चलिए एक चीज सवाल थोड़ा सा जल्दी है, अभी इलेक्शन अभी देर है, फिर भी कुछ पॉइंट्स कुछ है कि आप लोगों के पास कुछ मैनिफेस्टो में आप लोग कुछ ऐड करेंगे कि आप लोग अगर काउंसिल में रूलिंग होता है तो ये काम हम लोग कर देंगे, ऐसा कुछ आप लोग अभी प्लान बनाया है कि अभी और थोड़ा समय बाकी है मैनिफेस्टो के लिए? मैनिफेस्टो तो बनाना बाकी है
लेकिन नंबर वन हम लोग का है आर्टिकल 244 इम्प्लीमेंटेशन, जो इस तरह से राहुल गांधी ने एश्योरेंस दिया था लास्ट असेंबली इलेक्शन में, अभी भी वो कायम है, हम लोग बातचीत चल रहा है अभी वो एमपी इलेक्शन में जीतने से, वो अगर सरकार बनता है तब, सरकार जब दिल्ली में बनेगा 244 आर्टिकल का बात आएगा। और दूसरा बात हो गया एजुकेशन, जो आप बोल रहे हैं एजुकेशन का बात, अभी तो थोड़ा क्या बोलता है कुछ गुणोत्सव, गुणोत्सव लास्ट ईयर तो लास्ट नंबर में था, इस पर थोड़ा एडवांस हुआ है। तो एजुकेशन सिस्टम पूरा डिमांसों में खत्म हो गया अभी, ग्रासरूट लेवल पर, तो एलपी स्कूल लेवल में, इवन हाई स्कूल लेवल में भी बहुत खराब हो गया अभी, अभी ऐसा है। और देवलाल गोलो साहब प्राइवेटाइजेशन को एनकरेज देता है, इस बार तो माईबाग में प्राइवेट स्कूल में जितना भी फ्री किया एडमिशन दिया है उनको, तो जितना भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको वो एनकरेज कर रहा है, और जो सरकार का स्कूल है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउनफॉल में जा रहा है। आप लोग अगर रूलिंग में आते हैं तो सारा से एजुकेशन सिस्टम को हम लोग थोड़ा सा ठीक करने होगा। एग्रीकल्चर इंसान को सबसे जरूरत है, एग्रीकल्चर अगर ठीक रहेगा तो आदमी का इनकम भी रहेगा, उन लोगों को डेवलप अपने सेल्फ डेवलपमेंट होगा। लेकिन इस बार तो बेनिफिशरी देते देते बीच में तो पूरा चावल फ्री चावल दिया था, अभी चावल भी बंद हो गया अभी, तो ऐसा हालत खराब हो गया गाँव का इकोनॉमी, तो इस इकोनॉमी ग्रोथ को हम लोग थोड़ा बढ़ाना होगा। इसके लिए हम लोग एग्रीकल्चर इरीगेशन ये सब पब्लिक के लिए, बाकी टूरिज्म तो है, लेकिन जिस तरह से इकोनॉमिकल जो इम्प्रूव होना चाहिए लोकल जो गांव का आदमी लोग को, वो हम लोग उसमें ध्यान देगा जाता है। चलिए तो बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं हमारे तरफ से कि अभी जो दो दो इलेक्शन आप लोगों के सामने हैं, और जिस तरीके से अभी देख रहा हूँ कि आपका भी मॉरल काफी ज्यादा बूस्ट अप है और आप काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हैं अभी कर्नाटक इलेक्शन के बाद। जरूर जरूर मिलेंगे, इसके रिजल्ट मिल जाएगा आपको एक दो महीने में। तो हम भी आप लोगों को ऑल द बेस्ट कह के, और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे इस आज के शो में आए, थैंक यू। तो इसी तरह आप लोग देखते रहिए NH, और हम हर हफ्ता कोशिश करेंगे कि आपके सामने एक नया शख्सियत को लाने के लिए, और उनसे हम बात करेंगे सीधी बात, और हम ये उम्मीद भी करेंगे कि वो इसी तरह हमारे साथ जब बात करेंगे तो जवाब भी हमें सीधा सीधा दे, ताकि आप लोगों को सारा बात समझ में आए। तो मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।